ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ ఆత్మ జ్యోతి జగాలే బుజీ హుయి జగాకర జ్యోతి స్వరాజ ఫిర్ పాలే ఆత్మదర్శన్ స్వయం కదర్శన్ शांति। भगवत गीता में बहुत सुंदर सेल्फ मैनेजमेंट का उदाहरण है कि जहां पर यह दिखाया है कि रणभूमि है और रणभूमि में अर्जुन का रथ है और उस रथ में स्वयं भगवान बैठकर उसे ज्ञान दे रहा है। वो ज्ञान किस चीज का ज्ञान था? वो सेल्फ मैनेजमेंट का ज्ञान था कि इस रणभूमि में उसे अपने आप को किस तरह मैनेज करना है, अपने मन स्थिति को कैसे रखना है, अपने हर कर्म को कैसे करना है, तब वो इस रणभूमि में सक्सेसफुल हो सकता है। और इसलिए उसका रथ उसका जीवन था। इसी प्रकार आज के युग में अगर मनुष्य जीवन भी देखे तो एक रणभूमि में है, जहां हर वक्त व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है, और युद्ध करते करते आगे बढ़ना है, उसमें विजयी होना है। परंतु अगर हम अपने जीवन रूपी रथ में स्वयं भगवान को बिठा ले और बिठा करके उससे जो प्रेरणाएं मिलती है वो प्रेरणाओं को प्राप्त करने लगे, तो जीवन की ये रणभूमि में जहां हमें इतना संघर्ष करके फिर भी भय महसूस होता है, वहां हमें ये महसूस होने लगेगा कि हम विजयी बन रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान बहुत उपयोगी है। और वो दूसरों को मैनेज करने का ज्ञान नहीं, अर्जुन को परमात्मा ने कभी भी ये ज्ञान नहीं दिया कि तुम दुर्योधन को कैसे मैनेज करो, तुम अपनी मनस्थिति को कैसे बनाओ, कैसी एक न्यारी और प्यारी स्थिति बनाओ, किस प्रकार तुम्हें इस युद्ध में विजयी होने के लिए डिटैच होने की आवश्यकता है। जहां जहां उसका ये अटैचमेंट था कि ये मेरे हैं, उस मेरेपन के भान से उसको अपनी मनस्थिति को ऊपर उठाना है, तब वो विजयी हो सकता है। यही एक विधि उसको बताई। वो सेल्फ मैनेजमेंट का ज्ञान वर्तमान समय अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करें तो वह यही हो गया कि जैसे फोकस को हमें चेंज करना है। आज दिन तक हमारा फोकस जो ये रहा है कि दूसरे को कैसे मैनेज करें, दूसरे को कैसे सिखाएं, दूसरों को कैसे परिवर्तन करें, परिस्थिति को कैसे बदले, ये भाव के बजाय, ये मनस्थिति के बजाय फोकस हम भीतर कर दें। बहुत सुंदर एक कहानी याद आती है कि जिस प्रकार समुद्र में जब चक्रवात तूफान चलता है तो एक बार समुद्र में इसी प्रकार का चक्रवात तूफान चल रहा था और जिस प्रकार वो तूफान आगे बढ़ रहा था
तो उस तूफान की लपेट में अनेक जहाज आ गए और वो जहाज सारे टूट गए, खत्म हो चुके थे। लेकिन एक जहाज था जो इस तूफान में भी संभल पाया और सुरक्षित बच गया। वो कैसे बच गया? कि ये नहीं कि उसके जहाज की जो बनावट थी वो बहुत मजबूत थी इसीलिए वो बच गया, नहीं, लेकिन उसका कैप्टन जो था बहुत होशियार था। तो उसने क्या किया, अपने जहाज को सीधा उस चक्रवात तूफान के बीच में ले गया और बीच में ऐसा स्थान आता है जहाँ कोई तूफान नहीं होता है, क्योंकि तूफान आसपास होता है, बीच में नहीं होता है, जिस बीच को कहा जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म। इसी प्रकार आज जीवन में अगर देखें चारों ओर तूफान है लेकिन भीतर कोई तूफान नहीं है, आत्मा में तूफान नहीं उठ सकता है। इसीलिए हमें अपने फोकस को चेंज करना होगा, क्योंकि बाहर फोकस रखेंगे तो सब और तूफान है लेकिन भीतर भी तूफान तब मचता है जब बाहर हमारा फोकस होता है, तो बाहर का तूफान भीतर को भी हिला देता है, तूफान में ले आता है। लेकिन भीतर की मनस्थिति को अगर हम बैलेंस, संतुलित या शांत करते हैं तो बाहर का तूफान हमें इफेक्ट नहीं कर सकता है, जिसको कहा जाता है आई ऑफ द स्टॉर्म। और वहां जब वो अपने जहाज को ले गया तो वो तूफान उस जहाज को किनारे पर लाकर के छोड़ गया और वही एक जहाज बच गया। इसी प्रकार जीवन में कई बार चारों ओर से तूफान होता है लेकिन जब हम अपने केंद्र बिंदु भीतर कर लेते हैं, एकाग्रता अपने मन की भीतर बना लेते हैं, तो मन एकाग्र होने से वो चारों ओर का तूफान भी अपने आप शांत हो जाता है। नहीं तो आज के युग में जीवन रूपी ये जहाज या ये रथ जो है, किस प्रकार ये रण के मैदान में जहाँ चारों ओर तूफान है, जैसे समुद्र में भी देखा जाता एक और तूफान आ रहा है, एक और बड़ी बड़ी लहरों से पानी जहाज में घुस रहा है, तीसरी और कुछ अंडरकरंट्स है जो बहुत ही साइलेंटली चल रहे हैं, और चौथी और जोर से वायु इस प्रकार चल रहा है जो वायु प्रभावित कर देता है। इसी प्रकार मनुष्य कई बार वो जहाज में घुस रहा पानी को निकालने के कोशिश में लगा रहता है, वायु को भी देखते हुए अपने जीवन को उस अनुसार सेटिंग करता है, लेकिन कुछ उसके जीवन में भी इतने साइलेंटली चलने वाले अंडरकरंट्स होते हैं जिसके प्रति वो सचेत नहीं है, और इसीलिए उसका जीवन न चाहते हुए भी पता नहीं किस दिशा में चलने लगता है और वहाँ वो हार खाता है। इसीलिए वर्तमान युग में जो ट्रेंड्स और प्रेशर्स हैं, जो ट्रेंड्स यानी हमारे भीतर की टेंडेंसी और प्रेशर जो बाहर से आते हैं, तो एक बाहर का प्रेशर है, एक भीतर की हमारी टेंडेंसी बन गई है, तो ये दोनों को हमें संभालना है, क्योंकि इस तूफान में ये दोनों ही हलचल में आ चुके हैं। बाहर का प्रेशर इतना पड़ रहा है उस कारण भीतर की टेंडेंसी भी हमारी वैसे बनने लगती है, या चिड़चिड़ापन की या गुस्से की टेंडेंसी बन जाती है। अब ये दोनों ही टेंडेंसी और प्रेशर को संभालने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट हमें कैसे मदद करता है या हमें अपने आप को कैसे मैनेज करना है, तो वहाँ हमारी इनेट क्वालिटीज है, जो इनेट क्वालिटीज को हमें जागृत करना है और उसको जगाकर उसको कार्य में ले आना है, और उसको कार्य में लाते हुए उसको
चलाना है जीवन को, जो हमारे जीवन में एक दिशा देता है, वो वैल्यूज। क्योंकि या वैल्यूज का प्रयोग होगा या वीकनेसेस का प्रयोग होगा। अब वीकनेसेस का प्रयोग होगा तो हार हो सकती है, वैल्यूज का प्रयोग होगा तो जीत होगी। तो अगर हम कुछ ऐसी टेंडेंसी और कुछ प्रेशर को देखें कि किस प्रकार की टेंडेंसी हमारी डेवलप हो जाती है और उसको सामना करने के लिए या उसको ओवरकम करने के लिए कौन से वैल्यूज का प्रयोग करना है, तो वो टेंडेंसी आज के युग में अगर देखा जाए, जिस युग में हम जी रहे हैं, एक अनसर्टेनिटी का युग है, पल भर के बाद क्या होना है पता नहीं है, तो उस समय मनुष्य के भीतर की टेंडेंसी अधिकतर कौन सी है? अधिकतर उसकी टेंडेंसी आज के युग में है इनसिक्योरिटी। उसको इनसिक्योरिटी की फीलिंग है और भय है। अब ये इनसिक्योरिटी और भय को कैसे ओवरकम करें? उसमें अगर वीकनेस आ जाए तो ज्यादा इनसिक्योरिटी महसूस होंगी, ज्यादा भयभीत हो जाता है इंसान। इसीलिए उस समय व्यक्ति के भीतर सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा देते हैं तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से वो टेंडेंसी को हम दूर कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस और कम हो जाने से और भयभीत हो जाता है इंसान। इसी प्रकार दूसरी टेंडेंसी है उसके जीवन की कि दिल शिकस्त हो जाता है, डिसहार्टन नेचर। दिल शिकस्ती जब आ जाती है तो उस दिल शिकस्ती को कैसे मिटाएं? तो दिल शिकस्त को मिटाने के लिए वैल्यूज कौन सी हमें चाहिए? सेल्फ नॉलेज। अपने विषय में, अपनी योग्यता के विषय में, अपनी क्षमता के विषय में हमें एक सही समझ चाहिए और फिर उसको दिशा देना। तब वो दिल शिकस्तेपन का जो नेचर है वो खत्म हो सकता है, डिसहार्टनेस जो है वो खत्म हो सकती है। इसी प्रकार और टेंडेंसी आज मनुष्य के जीवन में जो डेवलप हो गई है, डिस्पेयर। इतना उदास हो जाता है, उदास इसीलिए हो जाता है, सोचता है अब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो कुछ काम का ही नहीं हूँ। तो इस प्रकार के विचारों के कारण वो उदास हो जाता है। तो ऐसे समय में सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हम करें ताकि ये उदासी, ये समझना हमारा जो गलत है उसको हम खत्म कर सकते हैं। मैं समझती हूँ अर्जुन को भी अपने युद्ध के समय ये सारे नेचर उसके या ये सारी टेंडेंसी उसकी भी डेवलप हो गई थी, इनसिक्योरिटी, भय, डिस्पेयर, दिल शिकस्तपन। इसी प्रकार और है डिससेटिस्फैक्शन, पता नहीं अगर विजयी नहीं हुए तो क्या होगा, ऐसे डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि। और उसको एड्रेस कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए पर्सनल फुलफिलमेंट। बाहर से कोई भी चीज मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकती है, कुछ अंश तक संतुष्ट कर सकेगी, लेकिन बाह्य रूप से कोई भी चीज हम देते जाए तो जितना चीज हम देते जाएंगे उतनी ही असंतुष्टि भी बढ़ती जाती है। लेकिन जब भीतर से हम अपने आप को फुलफिल करने लगते हैं, पर्सनल फुलफिलमेंट है, तो वहां पर असंतुष्टि खत्म हो जाती है। इस प्रकार अनेक टेंडेंसी आपकी भी हो सकती है, अनेक प्रकार की टेंडेंसी डेवलप हो चुकी होंगी, क्योंकि जिस प्रकार बाह्य प्रेशर्स भी आ रहे हैं उस प्रकार से वो टेंडेंसी डेवलप होना स्वाभाविक है। वैसे ही कई प्रेशर है, ये टेंडेंसी भी डेवलप होने का मुख्य कारण क्या होता है? तो प्रेशर्स, इतना दबाव है हमारे ऊपर, अनेक बातों का, अनेक चीजों का, अनेक लोगों का, अनेक कार्य का, कि वो दबाव में आकर के मनुष्य की ये टेंडेंसी डेवलप हो जाती है। इसी प्रकार आज के युग में मनुष्य जीवन के अंदर कौन से प्रेशर है जो प्रेशर उसके जीवन को इतना दबाव में ला रहा है जिस कारण उसकी ये नेगेटिव टेंडेंसी डेवलप हो रही है? तो वो प्रेशर्स को अगर हम अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं,
वैल्यूज के माध्यम से तो ये टेंडेंसी को भी सहज समाप्त कर सकते हैं। तो वो प्रेशर सबसे पहला अगर देखें, कार्य का प्रेशर, ओवरवर्क। आज मनुष्य को हर जगह, चाहे घर में है चाहे व्यक्ति ऑफिस में है, हर जगह उसके ऊपर वर्क लोड ज्यादा है। और वो वर्क लोड से जब वो कोप अप नहीं कर सकता है तब वो डिसहार्टन हो जाता है, दिल सिकष्ट हो जाता है, डिससेटिस्फैक्शन उसके अंदर आ जाता है। तो वर्क लोड, अब वर्क तो उसको करना ही है, लेकिन जब वहाँ वीकनेस का प्रयोग हो जाता है, चिड़चिड़ापन, गुस्से में आकर के वो कार्य करने लगता है, तो वो कार्य की क्वालिटी भी हमें संतुष्ट देने वाली नहीं होती है। तो वो वर्क लोड जो है उसके लिए हम एक टाइम एडमिनिस्ट्रेशन या टाइम मैनेजमेंट अपना एक करें कि समय, मुझे इतना समय इसमें देना है, इतना समय उसमें देना है। और इस प्रकार से जब अपने समय को सुनिश्चित कर लेते हैं तो कहीं अपना कार्य व्यवस्थित ढंग से हम कर सकते, ना उसके प्रेशर में आकर के काम करते हैं, लेकिन हम अपने समय को ठीक रीति से व्यवस्थित अगर करें तो कार्य भी व्यवस्थित हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि अंदर की व्यवस्था अगर ठीक है तो बाहर की व्यवस्था भी ठीक होगी। अगर अंदर की अवस्था हमारी ठीक नहीं है तो बाहर की व्यवस्था भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए भीतर से शुरू करना है, बाहर से शुरू नहीं करना है, भीतर से शुरू करना है। दूसरा इसी प्रकार का प्रेशर है फैमिली प्रॉब्लम्स। आज अनेक प्रकार के पारिवारिक प्रॉब्लम्स, समस्याएं इतनी आ चुकी है कि वो फैमिली प्रॉब्लम्स भी एक प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब प्रॉब्लम्स तो है ही, फैमिली तो है ही, वो फैमिली को छोड़ करके कहीं भाग तो नहीं सकते हैं। अब जो जिम्मेदारी उठा ली है उसको निभाना ही है अंत तक। यही अर्जुन को भी परमात्मा ने सिखाया, भगवान ने यही अर्जुन को कहा, ये कभी नहीं कहा कि हे अर्जुन तुम अपना कर्म संन्यास ले लो, जंगल में चले जाओ और सब बातों से छुट्टी कर लो तो तुम सुखी हो जाएगा, ये तो कभी ज्ञान नहीं दिया। लेकिन अर्जुन को यही कहा कि अपने घर गृहस्थ में रहते हुए तुम कैसे इन सबको हैंडल कर सकते हैं। अब जो जिम्मेदारी उठाई है उस जिम्मेदारी को तो अंत तक निभाना ही है, तो उसको कैसे हम निभा सकेंगे, उसके लिए कौन सी वैल्यूज जरूरी है? तो अटेंशन एंड हार्मनी। उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं उस प्रति हम सतर्क जरूर रहे और मिल करके हार्मनी, समरसता में आ करके उन प्रॉब्लम्स को भी जैसे बांट लेते हैं। और तब वो एक व्यक्ति के ऊपर सारा प्रेशर नहीं आता है लेकिन वो बढ़ जाता है, तो सहज उसको निभा सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा प्रॉब्लम जो है फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। आजकल जिस प्रकार इकोनॉमिक कंडीशन होती जा रही है, सारे विश्व की, कोई एक देश की बात नहीं है, सारे विश्व के सभी देशों की इकोनॉमिक कंडीशन गिरती जा रही है और इस कारण से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो है हमारे पास उसी में ही सब कुछ पूरा करना है। अब वो भी एक प्रेशर दिमाग के ऊपर क्रिएट करता है। जब देखा जाता है कि पैसे की कमी महसूस हो रही है तो उसको कैसे हैंडल करें, किस प्रकार जीवन निर्वाह को आगे बढ़ाएं चलाएं, तो वहाँ पर्सनल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। कई बार हम अति भावुकता में आकर के फालतू खर्चे अधिक कर लेते हैं और फिर बाद में देखते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है। तो इसके लिए तो प्लानिंग ज़रूरी है, तो ये वैल्यू बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जो प्रेशर करने वाली बातें हैं वो है हेल्थ प्रॉब्लम्स। आज हर इंसान, कोई भी ऐसा तो नहीं है कि सदा निरोगी है, कोई ना कोई रोग चलता ही रहता है, फैमिली में किसी न किसी का कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम है ही है। तो उसके लिए अपने जीवन की लाइफस्टाइल को चेंज करना आवश्यक है, चेंज ऑफ लाइफस्टाइल। तो वो चेंज करने की ज़रूरत है। ज़रूर वहाँ कहीं पर
कोई ना कोई कमी है, इसीलिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वो चेंज इन लाइफस्टाइल जब आ जाती है, तब वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी हम सहज हैंडल कर सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स आपके सामने भी होंगे। आज बड़े शहरों में अगर रह रहे हैं तो ट्रैफिक अधिक है और वहाँ अपने व्हीकल को चलाना है, चारों ओर से इतना ट्रैफिक होता है, तो वो भी एक टेंशन क्रिएट करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, तो उसमें भी अपने आप को हैंडल करना है। तो वहाँ कौन सी वैल्यू चाहिए? पेशेंस। जो है जैसा है उसमें चलना ही है। अब वो प्रेशर में आकर के अपनी मनस्थिति को बिगाड़ देने से कुछ प्राप्ति तो होनी नहीं है। चाहे प्रेशर से हैंडल करो, चाहे उसको वैल्यूज से हैंडल करो, टेंशन में आकर के रिएक्ट करो या उसको पॉजिटिवली एक्ट करो, तब उसका सॉल्यूशन है। इसलिए वर्तमान समय मनुष्य का जीवन देखा जाए कि जब उसके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है तो हर जगह वो भागता है। चाहे सोसाइटी में कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ फ्रेंड्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी से व्यक्ति घिरा हुआ है। चाहे बच्चे हैं, वो बच्चों को भी आउटिंग ले जाना है, बाहर ले जाना है, घुमाना है, फिराना है, उनको भी दिखाना है, ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो अनेक प्रकार के रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में व्यक्ति है, और अगर उसको क्लियर फोकस नहीं है कि कौन सी मुझे कब हैंडल कैसे करनी है, तो वो अपना रोल्स मिक्स करने लगता है। अगर ऑफिस में वो बॉस है और घर में वो आता है, वो सबसे यंगेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, और घर में भी अगर बॉस बन जाए तो कितना संबंधों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे रोल्स को मिक्स करते हैं। कार्य क्षेत्र में जो हमारा रोल है, ये नहीं कि हम वहाँ से जब निकले तो वो कार्य क्षेत्र का रोल और वो मास्क उतार करके वहाँ रख दे, नहीं, वो रोल का, वो मास्क को पहनते हुए उसी रोल में ही घर में भी आते और घर में भी वही मास्क चढ़ा करके वही भाषा शैली को यूज़ करते हुए हम इसी प्रकार लोगों के साथ व्यवहार करने लगते, तो घर में क्लैश शुरू हो जाता है। इसी प्रकार घर में अगर व्यक्ति सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है और ऑफिस में वो अगर ऐसे कार्य पर है जहाँ पर इतनी जिम्मेदारी का कार्य नहीं है, और जहाँ पर अगर वो जिम्मेदारी से पूरी तरह निभाए नहीं, तभी भी खरबड़ हो सकती है। तो अनेक प्रकार के रोल्स जो है उसको मिक्स करने से सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिस में नहीं आ सकता है। सेल्फ मैनेजमेंट हमें यही सिखाता है कि हम जब अपने भीतर के फोकस को क्लियर कर देते हैं, भीतर से अपने आप को हैंडल कर लेते हैं, तो अनेक रोल्स जो हमें बजाने हैं, अनेक जो हमारे अलग अलग समय पर अलग अलग पात्र निभाने होते हैं, वो हर पात्र को हम सुव्यवस्थित ढंग से निभा सकते हैं। तो ये सेल्फ मैनेजमेंट प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में हमें ले आना सिखाता है कि हम अपनी वास्तविकता को समझ करके हम अपने अनेक रोल्स जो है उसको भी समझते हुए जहाँ जिस रोल की आवश्यकता है उसी रूप से उसको बजाएं, तो हम हर रीति से संतुष्टि अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो न अपना अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते हैं और न हमें सेटिस्फैक्शन जीवन में प्राप्त हो सकता है। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है।
तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपने मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारे वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें। ये मंत्र मन है ओम शांति।